So welcome friends and welcome to the 20 days crash course for UPPCS 5th din hai aur aaj hum log jo hai wo 2013 aur 14 ka jo solve paper hai pichle previous year ka usko hum log dekhenge aur usko question ko analyze karenge jo topics hamare hain jo important topics hame jo cover karne hain examination ke liye aur exams mein jo area of interest jo hai UPPCS ka wo kya hai unke bare mein hum log baat karenge. तो 2013 और 14 का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो माई सेल्फ निहित किशोर एंड आई एम टेकिंग योर क्रैश कोर्स. तो लेट अस बिगिन द डिस्कशन. ओके, तो अगर देखें तो धीआईएस से हमने ये डाउनलोड करा है प्रीवियस ईयर पेपर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे रिसोर्सेज और कंट्रीज जो है फेमस हैं जिस रिसोर्सेज के लिए उस उनके मैं एज अ फॉलोइंग पूछा हुआ है. तो ये हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट में इसको डाल सकते हैं. ओके, देन वी हैव कोल्ड फील्ड्स और कंट्रीज, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट हो गया. फिर ज्योग्राफिकल एरिया में किस कंट्री का सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया है, अगेन ज्योग्राफी. फिर ये भी ज्योग्राफी है कि चाइना ने किस रिवर के ऊपर डैम बनाना स्टार्ट करा, ब्रह्मपुत्र के ऊपर कौन सा डैम जो है वो किस प्लेस पे पर्टिकुलरली स्टार्ट करा है. फिर इंडस्ट्री और उसके सेंटर जो फेमस है, एडम्स ब्रिज, अगेन ज्योग्राफी. टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम राइस ट्रेड, ये भी ज्योग्राफी. देन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन, इन दिस इज ज्योग्राफी. और आपको ज्योग्राफी में जो एरियाज आपको समझ में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में टोटल क्वेश्चन अभी हमें मिले 8. पहले इंस्टेंस में 8 क्वेश्चन है. इसमें आप देख सकते हैं कि जो एरियाज़ हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोकेशनल, लोकेशन कहाँ कौन सी है. तो दीज आर सम ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. फिर 9th क्वेश्चन जो है ये आपको इकोनॉमिक सेंसस से रिलेटेड है. सेंसस मैंने आपको बोला था कि सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेंसस में हम लोग अदर टॉपिक्स में बात करेंगे. तो सेंसस के बाद साइंस आ गया कि मिरर जो है वो डेंटिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं. देन वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू अ सरफेस बाय विच पर्टिकुलर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये बेसिक्स हैं साइंस के. फिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और उनके जो डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके पास, वो तो ये भी साइंस का क्वेश्चन हो गया. देन वी हैव दिस ज्योग्राफी, कौन सा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, साइंस के अभी तक 3 क्वेश्चन हमें मिले. ज्योग्राफी में एक और आ गया. देन साउंड लेवल, तो ये ज्योग्राफी साइंस का क्वेश्चन हो गया. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगेन साइंस, दिस इज ऑल्सो साइंस. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. तो ये सब साइंस के बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होनी चाहिए. 100th स्पेस मिशन जो इसरो का 2012 में लॉन्च हुआ, तो ये करेंट का भी क्वेश्चन हो गया आपके लिए और साइंस से भी क्वेश्चन है. ठीक है, तो 4 और क्वेश्चन यहाँ पे आपको साइंस के दिखे. फिर ये ओशन सेट, ये भी करंट का पार्ट आ गया. ये यूपी साइंस कांग्रेस आ गई, करंट जो ऑल्सो साइंस, बेसिक ग्रुप ऑफ स्टार्स, रेफ्रिजरेशन अगेन साइंस. हाँ, आप देख सकते हैं फिजिक्स का नोबेल प्राइज, तो ये करंट में भी आ जाएगा, अवार्ड्स में भी आ जाएगा और साइंस में भी. ऑल दीज आर क्वेश्चन पर्टिकुलर फॉर 12 क्वेश्चन अगेन ऑन साइंस. फिर ये करंट का क्वेश्चन, आप यूपी से स्पेसिफिक जो है कि यूपी में एक लायन सफारी वो कहाँ पे स्टेब्लिश करी गई है. तो ये यूपी का स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको हो गया और इसको आप इन्वायरमेंट में भी रख सकते. फिर मैन ऑफ द सीरीज जो है टेस्ट सीरीज में, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया. ओके, 1, 2 एंड फिर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन, तो अवार्ड से क्वेश्चंस हैं. फिर ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, साइंस एंड टेक. कॉन्फ्रेंस हैदराबाद प्लेस, किस चीज़ से रिलेटेड, तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया और करंट का भी क्वेश्चन हो गया. एमिनो एसिड, अगेन साइंस क्वेश्चन. दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल डेटा
ये जो नए पोप थे वो किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल का क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल। देन अगेन साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन बनी है उस टाइम पे, आपको करंट का क्वेश्चन इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए हैं उसमें से। फिर 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ है होस्ट होगा, तो ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन अगेन। फिर यूपी में आईटी सिटी कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा, तो स्पेसिफिक यूपी का क्वेश्चन हो गया। ब्रिक्स समिट कहाँ होगी, तो इंटरनेशनल इवेंट्स। देन सरल जो इसरो ने लॉन्च करा है 6 सैटेलाइट्स, तो ये भी आपको साइंस का कार्ड। देन ये अवार्ड्स, तो यूपी से स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। हाई कोर्ट 2013 मार्च में कहाँ कहाँ सेटअप हुए थे वो क्वेश्चन है। देन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, इन अवार्ड्स, चीफ गेस्ट, दिस इज ऑल्सो प्राइज एंड अवार्ड्स। इंटरनेशनल कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंटरनेशनल करेंट इवेंट का इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, तो आपके लिए एक नई टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट इज इंटरनेशनल इवेंट्स करेंट के। बायोस्फीयर रिजर्व उसके लोकेशन, तो ये गवर्नमेंट का क्वेश्चन है। फिर अपॉइंटमेंट्स, जो मेजर बॉडीज हैं उनके अपॉइंटमेंट्स की बात करें, गवर्नर किधर अपॉइंट हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी, देन अगेन एनवायरनमेंट, फिर से ये भी एनवायरनमेंट का है, दिस इज आल्सो एनवायरनमेंट, जीए ग्रीन हाउस इफेक्ट अगेन एनवायरनमेंट, एबल इकोसिस्टम एनवायरनमेंट, एंडेंजर्ड स्पीसीज एनवायरनमेंट, इको मार्क पिछले साल भी आया था एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी एनवायरनमेंट, एजेंडा 21 ये भी एनवायरनमेंट है, ये भी ये दोनों साइंस है, ये तो सी साइंस है, तो ये तीनों भी है, ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस ईयर के नॉर्मल क्वेश्चन बहुत ही बड़े हैं, एंड फिर साइंस में तो कोई ना एंशिएंट फिरोज तुगलक, बाद मेडिएवल मॉडर्न, तो दो मेडिवल्स आए अभी तक, एक है मंत्र एंशियंट, लक्ष्मी मूर्ति आर्ट ऑफ सिवा एंशियंट, जहांगीर मेडिवल, मॉडर्न एवल अक्सर जहांगीर अगेन मेडिवल, माउंटबेटन प्लान मॉडर्न, देन क्विट इंडिया मॉडर्न, लाहौर सेशन मॉडर्न, इन कटिया इज मॉडर्न, दिस इज ऑल्सो मॉडर्न, ऑल्सो मॉडर्न, नेशनल आर्मी रेड फोर्ट ट्रायल मॉडर्न, 37 मॉडल, वी हैव अगेन 7 क्वेश्चंस ऑन मॉडल। स्टार्ट्स द पॉलिटी बेसिक्स, ये यूपी के बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए, यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें हैं, पॉलिटी यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के हैं। फिर मॉडर्न,
मॉडर्न या पॉलिटी में रख सकते हैं इसको, मॉडर्न पॉलिटी। पॉलिटी या अगेन पॉलिटी, पॉलिटी 117 इज ऑल्सो पॉलिटी। यूपी की पॉलिटी, दिस इज पॉलिटी, पॉलिटी पॉलिटी। मॉडर्न में दो और बढ़े, पॉलिटी में 5। यहाँ से आपका इकोनॉमी पहला क्वेश्चन, फिर ये पॉलिटी, ये स्कीम्स है तो ये पॉलिटी के अंदर ही रखेंगे हम। ये यूपी के स्पेसिफिक जो प्लेसेस हैं वहाँ के, कौन सी इंडस्ट्री लोकेटेड है, तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ज्योग्राफी में हम। अगेन पॉलिटी, पॉलिटी पॉलिटी क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, फिर इकॉनमी हमारा, इकॉनमी जिसे अर्बन डेंसिटी, इकॉनमी स्टॉक एक्सचेंज आधार, ये सारा इकॉनमी है। इकॉनमी 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 जनगिर इकॉनमी, चार क्वेश्चन और। दिस टू आर फ्रॉम ज्योग्राफी, ऑल्सो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्वेश्चन वन, टू, इन ज्योग्राफी, एक इन्वॉल्व, एक इकोन। सो अगर हम लोग इसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं 7-11। तो बेसिक्स में अगर आप देखें तो जैसा हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है कि सबसे ज़्यादा साइंस, फिर पॉलिटी, और ये ट्रेंड पांचवें साल भी ये सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला है। पाँच छः ईयर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बोला था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेसिक्स के लिए वो साइंस, फिर पॉलिटी, फिर इकॉनमी, और 2013 से हम देख रहे हैं। अब 14 के क्वेश्चन में हम फिर देखेंगे कि क्या इन्वायरमेंट सच में आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि 2014 में सडनली इन्वायरमेंट जो है, 13 में 14 क्वेश्चन, और मॉडर्न इज ऑल्सो देयर। और उसके अलावा आपको यूपी स्पेसिफिक 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और इंटरनेशनल जो इवेंट्स है उसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 4-5 दिए गए थे। ये आपका ब्रेकअप है 2013 का। हम लोग 2014 के बारे में देखें, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस, ये एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है।
पहला इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये भी इन्वायरमेंट है, दिस इज ऑल्सो इन्वायरमेंट, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑल्सो इन्वायरमेंट, ग्रीन मफलर इज ऑल्सो इन्वायरमेंट, लार्जेस्ट इको सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट, मीथेन इन्वायरमेंट, एरी इज इन्वायरमेंट, इट इज नागपुर। ये क्वेश्चन पहले भी आया था 2011-12 में, अगेन इन्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी रिच इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट सॉरी हाँ दिस इज ऑल्सो इन्वायरमेंट साइंस इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट। तो 17 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आप देख सकते हैं साइंस में। तो जैसा हमने देखा ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि 2013 में यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज करके फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रीलिम साथ में करा था, तो उसमें इन्वायरमेंट क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। सेम पैटर्न पर यूपीपीसीएस ने भी इन्वायरमेंट क्वेश्चन इंक्लूड करने स्टार्ट कर दिए। नाउ साइंस साइंस दिस इज ऑल्सो साइंस, ये मोर क्वेश्चन ऑफ साइंस। फिर हमारे पास इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी इन साइंस, बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग इन कैथ लैब साइंस, देन अगेन साइंस, होमी बाबा प्राइज साइंस, साउंड वेव साइंस साइंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी साइंस साइंस। तो 8 क्वेश्चन अगेन फ्रॉम साइंस। देन स्पोर्ट्स में आ गए हम लोग, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है हर साल मिल रहे हैं आपको। फिर स्टेट्स का क्वेश्चन, किसने जीरो डेफिसिट बजट प्रेजेंट करा है 6ठे बार लगातार, स्टेट से क्वेश्चन हो गया। देन अगेन दिस इज स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन, अदर स्टेट से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ए 101 तो ये करंट हो गया, इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ हुआ था, फिर कहाँ कहाँ इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, तो ये करंट इवेंट्स हो जाएंगे, हो गए आपके। दिस इज इकॉनमी, इकॉनमी करंट में, दिस इज रियल बजट इकॉनमी इकॉनमी, देन वी हैव अवार्ड, अवार्ड्स भी इम्पोर्टेंट हैं। कौन सी टाइप ने पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में वोट करा, वो सब आपको देखना है। फिर बुक द नेम ऑफ द मैन ऑफ द टाइम्स, ये किसने लिखा, हमारे लिए बुक्स भी इम्पोर्टेंट हैं। बोको हरम ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। लार्जेस्ट वॉरशिप फॉर्मली जो इंक्लूड हुई नेवी में, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। हॉकी वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स, सेवन सेंट्रल पे कमीशन इज इकॉनमी, आईपीएल मैच स्पोर्ट्स, फीफा वर्ल्ड कप देन स्पोर्ट्स, ISIS ये इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन हमारे पास फिर से आने लगे। ये बात पिनल कोड वर्क मोरक्को के पार्लियामेंट के क्वेश्चन इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया। नाउ एंशियंट कोई एंशियंट से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला, प्रोटेम स्पीकर 16 लोकसभा किसको बनाया गया था, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपके लिए हो गया। WHO साउथ ईस्ट एशिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया, तो इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको हो गया। दिस इज मेडिवल मेडिवल मेडिवल, तीन क्वेश्चन मेडिवल से हुए।
फिर यहाँ पे मॉडर्न मॉडर्न मेडिवल, तो दो मॉडर्न से क्वेश्चन हो गया, एक मेडिवल से हो गया। दिस इज एंशिएंट, मेडिवल मेडिवल सर, मॉडर्न है ये, फिर मॉडर्न है, मॉडर्न देन मॉडर्न इन मॉडर्न ऑफ द मॉडर्न एट मॉडर्न टेन सेवन ट्वेल्व फोर्टीन, ऑल दिस आर मॉडर्न एकदम बेसिक, कुछ भी इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं, बिल्कुल बेसिक। थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन तो 17 क्वेश्चंस फॉर मॉडर्न, एंड दिस इज आल्सो 18 19 20 तो आप देख सकते हैं कि फिर मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस साल पूछे। ये ट्राइब से क्वेश्चन हो गया, तो ये आपके लिए एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया ये। इसके बाद बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट जो है वो कौन सा है, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी ज्योग्राफी, दिस इज ऑल्सो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का एक और क्वेश्चन आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मोस्ट अर्बनाइज कंट्री जो है वो कौन सी है, तो ये भी ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो ये इकोनॉमी का पार्ट हो गया। प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन में जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस इन लोगों ने पूछा है, ये भी किसका पार्ट हो गया हमारे पास, ज्योग्राफी, या फिर इसको इकोनॉमी में भी आप रख सकते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यूपीएस स्पेसिफिक हो गया, फिर वाटरवेज ज्योग्राफी, दिस इज ऑल्सो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी दिस इज ऑल्सो ज्योग्राफी। तो फोर मोर क्वेश्चंस नाउ, पॉलिटी एंड अगेन पॉलिटी, पॉलिटी बेसिक्स, पॉलिटी बेसिक्स, तो तीन क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए। फिर सेंसस आया, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन एक, टेम्परेट ग्रासलैंड, देन ज्योग्राफी, सॉरी टेम्परेट ग्रासलैंड ना, इट्स एनवायरनमेंट, फिर ज्योग्राफी, द पैटर्न ऑफ रिवर्स, दिस इज पॉलिटी, पॉलिटी 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 फाइव क्वेश्चन, सिक्स पॉलिटी, सेवन पॉलिटी, एट पॉलिटी, नाइन पॉलिटी, टेंथ पॉलिटी, इलेवेंथ पॉलिटी, देन ट्वेल्व पॉलिटी, थर्टीन पॉलिटी, पॉलिटी। तो पॉलिटी के 14 और क्वेश्चन, देन इकॉनमी, वन टू थ्री फोर फाइव 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 सिक्स सेवन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको फेडरल कोड जो है, ये मॉडर्न से क्वेश्चन आया है यहाँ पे। देन दिस इज ऑल्सो इकॉनमी, इकॉनमी इकॉनमी ऑल्सो इकॉनमी 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 स्कीम्स में और करेंट से रिलेटेड इकॉनमी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो वही क्वेश्चन है यहाँ। दिस इज ऑल्सो इकॉनमी 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 प्लानिंग कमीशन अगेन इकॉनमी। इकॉनमी के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा। देन दिस इज पॉलिटी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पॉलिटी
करंट का क्वेश्चन है ये एनवायरमेंट। 46 इज एनवायरमेंट, 45 इज आल्सो एनवायरमेंट। तो आप एनवायरमेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे इंक्रीज हो रहे हैं 2013 के बाद में। 6, 7, 8, 25 क्वेश्चन एनवायरमेंट से हैं, 19 जितने आते हैं पॉलिटी से, 25 आल्सो इकोनॉमी से, 11 ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन जो इंटरचेंजेबली किसी में भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक सेक्शन वाला है, रिसोर्सेज, साइंस, इंडस्ट्रीज। हिस्ट्री में मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन थे 23, मेडिवल से 6, मेडिवल से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, एंशियंट से बहुत कम 2, और आर्किटेक्चर से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा हमें। यूपी स्पेशल से 4-5 क्वेश्चन, और एज यूजल इस पेपर में 2014 के पेपर में आपने देखा है कि स्पोर्ट्स बुक्स, इंटरनेशनल इवेंट और अवार्ड, इनसे जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम थे 10 से 15। तो दैट इज वाई जो ये आपको एग्जामिनेशन है स्पेशल इवेंट्स वाला, वो 2014 में आपको बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, करेंट से क्वेश्चन कम, और इन्वायरमेंट में स्पेशल फोकस रहा है। ओके, दिस वॉज द कंपेरिजन, देख सकते हैं 13 और 14 के हिसाब से। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हर ईयर के एग्जाम से आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है वो बेसिक्स में वो है साइंस, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, और अब इन्वायरमेंट भी उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इन्वायरमेंट। उसके बाद बेसिक्स में बाकी फिर आप मॉडर्न करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे। ओके, इस अप्रोच के साथ आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू द एनालाइज द पेपर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितने ज़्यादा लोगों से हो सकता है शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिए। हम कल अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू।